हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्यारा की प्यारा मैं आप लोग कैसे हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, क्या कहते हैं, आज का है मेरा शादी का ब्लॉग। और क्या कहते हैं, मैंने कुछ तैयारियाँ कर ली है, मतलब ये लोग तो सोए हुए हैं अभी और मैं उठ गई थी 5:30 बजे। मैंने घर का काम वाम करा है, फिर उसके बाद तैयारी करी है। देखो यहाँ मैंने सारी तैयारी करके रख दी है। ये मेरा बैग जिसको मैं कैरी करूँगी, बैग मतलब करना पड़ता है यार, बच्चों के साथ रहते तो कैरी करना पड़ता है। तो ये है बैग, इसमें है मेरे कपड़े, अगर मैं वहाँ से आई तो सूट पहन कर आ जाऊँगी। ये है गाइस ब्लैक साड़ी, और जब पहनूँगी तब दिखी जाएगी ये ब्लैक साड़ी। और ये है जो जिसकी शादी है, मतलब उसे हम साड़ी देंगे। और ये हैं इनके कपड़े, और ये है क्यारा के कपड़े, क्यारा का डायपर। और इधर है मेरी सैंडल्स, इधर है ज्वेलरी, और बस चूड़े वगैरह भी मैंने करके रख दिए। तो और मैं उठ गई हूँ बहुत जल्दी, क्योंकि सॉरी, तो मैंने काम वाम किया है अभी घर का। और कल मैंने लगाई थी गाइस, देखो मेहंदी। यार अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही थी, इतनी डार्क लगी थी, अभी मैं नहाई हूँ तो जस्ट एकदम हल्की पड़ गई। देखो ऐसी लगाई है, कैसी लग रही, लगा ली। हाँ, और क्या कहते हैं, अब मैं जाऊँगी फ़िलहाल नेल पेंट लगाने, नेल पेंट का काम, क्योंकि मैं हमेशा नेल पेंट भूल जाती हूँ। मुझे नेल पेंट लगाने में इतना हल्का सा आता है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा शादी ब्लॉग। गाइस, अपने हाथों पैरों में मैंने नेल पेंट लगा ली, देखी कैसी लग रही है। इसमें तो अच्छी लग रही है, और इसके नेल्स देखोगे आप, बस लगाइए देखो। इसके यार बढ़ते नहीं है, बढ़ते तो हैं, मैं खा जाती हूँ, पता नहीं क्यों इसकी गंदी आदत है। ये वाले नहीं खाती, इस हाथ को मैं हमेशा सजा के रखती हूँ, इसका हाथ बड़ा गंदा रखती हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर में, क्यारा और क्यारा के डैडी का भी उठाना है, क्योंकि जाना है। ये लोग तो पता नहीं कैसे सो रहे हैं, तो अभी चलते हैं हम उन्हें उठाते हैं। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और हम हैं कार में, और हम चल दिए। गाइस मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, और ये बैंगल्स है, देखिए आपको ये लुक कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताना ये लुक कैसा लग रहा है। चलिए अब हम मिलते हैं थोड़ी देर में। हे गाइस, तो क्यारा ये रही, और क्यारा पी रही है दूध, तो भूख लग रही है, उसका दूध हम ले नहीं पाए, हम वहाँ पे लेंगे, ले लें जल्दी, हाँ नहीं रहा है तो वहीं ले ली, कच्चा नहीं, पेट खराब हो जाए वैसे आज। यार ये होता है इसके, मैंने थैली के दूध के पैसे। Thank you.
इसमें तो सही आ रहा है। बस कम 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 खेत में फोटो शूट कराने फाइनली जैसे कि ये खेत में दिख रहा है। पीछे का बैकग्राउंड दिखाओ आप, पीछे का बैकग्राउंड बोला है उस तरफ से दिखाओ ना, बच्चे भी दिखा रहे हैं। बैकग्राउंड इधर का है, कुरल मास्क हटा ले अब, इसको ज्यादा कोरोना का डर है। हमारी पीयू सबसे क्यूट लग रही है, है ना, लग रहा है बीड़ी सिगरेट वाले बच्चे लोग है ना, ये अच्छी नहीं लगती। अभी हम जा रहे हैं खेत में फोटो खिंचवाने, बाकी वहाँ पे पहुँच चढ़ जाएंगे। गाइस हम खेत में आए थे कि हरियाली मिलेगी, यहाँ तो उजड़ा पड़ा है सब, बट हम इसी में फोटोज वगैरह शूट कर लिए हैं। शादी में कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है फोटो शूट कराने ज्यादा है ना। ये देखिए उधर भी चल रहा है, सब जगह फोटो शूट चल रहा है। और हाँ आप ना कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना है कि हम सब कैसे लग रहे हैं, प्लीज कमेंट्स जरूर करना है ना। बाकी हमें तो अच्छा ही लग रहा है कि हम अच्छे लगे हैं, है ना, ऑब्वियस है। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय गाइस बोलो, we'll be right back।
जाएंगे। इनका नहीं लग रहा जीतिया, आज तो हम लोग सबसे ज्यादा तो थी, सबसे ज्यादा तुम तो थी। उतार रखी है अपने डैडी के पास इसने। मेरी में ज्यादा देख रहा उसके बाद तो जिनकी रगड़ती है। जिंदगी रगड़ रही है। चलो भैया अब हम जाने वाले हैं और हमने सूट पहन लिए क्योंकि साड़ी में बहुत बुरी वाली हालत हो रही थी और हम सब ने ही सूट पहन लिए। कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी, साड़ी पहन पहन के सब वो देखो बड़ी भी आ रही है, सब सबकी बहुत बुरी हालत हो रही थी। तो अब हम बाय बाय टाटा, देखते हैं लोग यहीं एंड करेंगे या फिर घर से जाके करेंगे। चलिए बाय बाय। हे गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं घर बहुत देर बाद। अब बज रहे हैं 10:45 रात के और मैं उबाल रही हूँ दूध क्योंकि 11 रात में दूध मांगने लग जाए भाई जान, क्योंकि अब उसने बहुत कम दूध पिया है और आँखें हो रही बहुत भारी भारी। अभी क्या कहते हैं मेकअप रिमूव करूँगी सारा, मुँह अच्छे से धोऊँगी तब जाके सोऊँगी। और जब तक के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। गाइज, अगर आपको मेरा शादी ब्लॉग ज़रा सा भी पसंद है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना एंड बस बहुत सारा प्यार देना और कमेंट्स करके बताना कि सब हम लोग सब कैसे लग रहे थे, हमारी गांव की मस्ती कैसी लगी और गांव की दिन की शादी थी आज, दिन की शादी थी हमारे गांव में। लेकिन क्या कहते हैं आज दिमाग तो बहुत ख़राब था कि दिन की शादी है, लेकिन ना आज दिन बहुत अच्छा हो रहा था, मतलब हवा वगैरह चल रही थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, इस वजह से तो इतनी गर्मी नहीं लगी और अच्छा लगा मतलब। लेकिन हाँ, जैसे हम स्टेज वगैरह पे करके और फिर और ये आप सोच रहे हो कि मैंने क्या लगाया गाइस, वो सेट पहना था ना, उस समय तो इतनी एलर्जी हो गई पूरे में, मतलब बहुत ज़्यादा इतनी एलर्जी हो गई मेरे को, आते ना पाउडर वगैरह लगाना पड़ा, इतना इचिंग हो रही है बहुत, इस वजह से मेरे को ना कुछ सूट नहीं होता, इसलिए मैं गले वगैरह में भी कुछ नहीं पहनती, कहीं भी कुछ नहीं पहनती। चले गए जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अगर आपको इस ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताना। ठीक है, बाय बाय।